मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी, पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। पिछले दिनों हमने एक साथ मिल बैठकर अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचार की एक प्रक्रिया शुरू की थी। विचार की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ज्ञान और अनुभूति दोनों को साथ में जोड़ करके देख रहे थे और अपने जीवन में जो भ्रम हमने पाल रखे हैं उन भ्रम को धीरे धीरे तोड़ने का अभ्यास कर रहे थे हम। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये मान ले कि यहाँ जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वे सब शाश्वत हैं, कभी नष्ट नहीं होंगी, तो जब जब वे चीज़ें नष्ट होंगी हमें दुख होगा, हमें पीड़ा का एहसास करना होगा। जब जब हम ये मान करके जिएंगे कि यहाँ कोई है जिसका कि सहारा हमें मिला हुआ है और जो हमें पार लगा देगा, लेकिन जब हम देखते हैं कि जिसका हमने सहारा लिया है वो स्वयं एक दिन अपना समय पूरा करके विदा ले लेता है, तब हम बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि यह बात भी ठीक नहीं निकली, और आगे बढ़ते हैं तो सोचते हैं कि ठीक है, वस्तुएं और व्यक्ति एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे, यह तो सच्चाई समझ में आ गई, इनमें मुझे सहारा भी नहीं ढूंढना है, यह सच्चाई भी समझ में आ गई, लेकिन इनमें थोड़ी देर जब तक ये रहते हैं तब तक सुख तो मिल ही सकता है। लेकिन हमने पिछले दिनों इस बात का अनुभव भी कर लिया है कि हम सुख चाहते हैं लेकिन अंततः पाते हम दुख हैं। यहाँ इस संसार में जो भौतिक सुख सुख जैसा मालूम पड़ता है वो वास्तविक नहीं है। हमें एक ऐसे शाश्वत सुख की खोज कर लेनी चाहिए जिसके साथ दुख और पीड़ा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ विचार करने के बाद भी ये भ्रम नहीं टूट पाता कि कोई तो है जो कि मेरा है, कोई तो है जो कि मेरा साथ देगा, या कि एक ऐसा भ्रम भी हम पाल लेते हैं कि यहां इस संसार में कोई मेरा नहीं है। ये दोनों ही भ्रम हैं। कोई मेरा है ये मिथ्या अभिमान है, और मेरा कोई नहीं है
ये दीनहीन स्थिति है। और ये दीनता या कि अभिमान, ये दोनों ही हमारे जीवन को दुख में ले जाने वाले हैं। एक बार हमें इस बात का विचार कर लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है, क्या सचमुच कोई मेरा है या कि सचमुच मेरा कोई नहीं है। इन दोनों में सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। असल में हम लोग जिस तरह अपने जीवन को बना चुके हैं उसमें सहसा ये सच्चाई समझ में नहीं आती है। क्षण भर को ऐसा लगता है कि जैसे कोई है तो मेरा, और क्षण भर बाद ही लगने लगता है कोई मेरा नहीं। इन दोनों के बीच सच्चाई क्या है, इस तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता। और जब कोई मेरा है ऐसा एहसास हम करते हैं तो बड़ा सुख मालूम पड़ता है, और जब कोई मेरा नहीं है इस तरह का एहसास होता है तो जीवन बीतना मुश्किल होता है, एक एक क्षण गुजरना मुश्किल होता है। ये दोनों स्थितियां हमारे साथ हमेशा से लगी हुई हैं। आचार्य भगवंत हमें इसके बीच सच्चाई और वास्तविकता का बोध करा रहे हैं। पहले हम देख लें कि वास्तव में हमारा यह भ्रम है भी या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना भ्रम भी भ्रम मालूम नहीं पड़ता, अपना सपना भी सपना नहीं मालूम पड़ता, वो सच मालूम पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जैसे कि सोया हुआ व्यक्ति अपने सपने को भी सच माने और उसे कितना भी कन्वेंस किया जाए कि वो सपना देख रहा है, पर वो जब तक जागता नहीं है तब तक वो ये मान नहीं सकता कि मैं जो देख रहा हूं वो सपना है। आचार्य भगवंत हमें वास्तविकता के प्रति जागृत करने के लिए एक विचार की प्रक्रिया दे रहे हैं। एक बार एक युवक किसी साधु के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं इस संसार के बीच, इस सुख दुख के बीच शांति का मार्ग खोजने निकला हूं, क्या आप मुझे शांति का मार्ग बता पाएंगे? साधु ने कहा कि वो तो मैं बात को बताऊंगा, पहले तुम एक काम करो, पहले तुम थोड़ा ध्यान लगाना शुरू करो। उसने कहा वो तो मैं कई बार कर चुका हूं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, जैसे मैं बताता हूं वैसे लगाओ और फिर मुझे बताना कि अशांति का उपाय और शांति का उपाय दोनों हमारे पास हैं, उसमें से हमें किसे चुनना है। एक बहुत छोटी सी गुफा थी जिसका छोटा सा दरवाजा था, उसके भीतर उससे कहा कि बैठ जाओ और ध्यान करो, ध्यान करो कि तुम बारह सिंह हो गए। बारह सिंह वाला जानवर होता, हिरण के जैसा होता, वैसा ध्यान करो। उसने कहा अजीब बात है, मैं संसार में शांति की बात पूछने आया था, मैं सोच रहा था कि ईश्वर से साक्षात्कार करवाएंगे, संसार की वास्तविकता बताएंगे, ये तो और उपद्रव वाला काम कि मैं बारह सिंह का ध्यान करूं। ठीक है, अब कह रहे हैं तो कर लेता हूं। जाकर के उसने और ध्यान लगाना शुरू किया। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गए, उसे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि वो बारह सिंह हो गया। तीसरे दिन तो ऐसा हुआ कि बहुत जोर से उसने आवाज दी, जैसे कि बारह सिंह बोलता है ठीक वैसे ही उसने आवाज दी। वो साधु भागते हुए आए उसके पास और पूछा कि क्या बात है, तो उसने भीतर बैठे बैठे ही कहा कि आपने मुझे ये कौन सा काम सौंप दिया
बहुत मुश्किल में पड़ गया हूं, मुझे बाहर निकाल लो, मेरे सींग तो अब इस दरवाजे में से निकलते ही नहीं, फंस रहे हैं। साधु ने उसे जगाया, ध्यान से बाहर आया वो और कहा निकल आओ बाहर। निकल आया आसानी से। अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे? उसने कहा थोड़ी देर पहले की मत पूछो, उस समय तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बारह सिंगा हो गया हूं और मेरे सींग बहुत बड़े बड़े हैं और इस दरवाजे में से निकलना बहुत मुश्किल है। साधु ने कहा कि तुमने अपनी अशांति का उपाय अपने हाथ से किया था और शांति किस में मिली? तुमने एक भ्रम पाल लिया था कि मैं ऐसा हो गया हूं, वही तुम्हारे अशांति का कारण था और शांति का उपाय मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तुमने अपना भ्रम तोड़ दिया तो शांति तो तुम्हारे पास थी, बाहर आने का रास्ता, मुक्त होने का रास्ता तुम्हारे पास था। ये एक बहुत छोटी सी घटना है जो कि हमें इस बात का इशारा करती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कोई है इस तरह के मिथ्या अभिमान के भ्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या मेरा कोई नहीं है इस तरह की दीनहीन स्थिति अपनी मान करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम इन दोनों स्थितियों से परे हैं, मैं एक अकेला हूं, यह निरंतर चिंतन मेरे मन में बना रहे, इसी का नाम एकत्व भावना है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबहूं इस जीव को साथी सगाना कोए। एक पक्ष ये है सब जानते हैं, दूसरा पक्ष ये है शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जी एक ही तेते, सुतदारा होए न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। दोनों एकत्व भावनाओं की ही बात है, थोड़ी सी समझने की है। मैं अकेला जन्म लेता हूँ, मैं अकेला मरण करता हूँ, मेरा यहाँ पर कोई भी सगा साथी नहीं है। संयोग और साथी में थोड़ा सा अंतर है, हम संयोग को साथ मान लेते हैं, हम सब एक साथ बैठे हैं ये संयोग है। एक साथ बैठना सिर्फ संयोग है, एक साथ चलना भी संयोग है, एक साथ जीना भी संयोग ही है। साथी तो तब होता है जब एक दूसरे के लिए परस्पर सहयोगी बने। क्या मैं आपके साथ जन्म में सहयोगी बन सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ मरण में सहयोगी बन सकता हूँ? क्या मैं आपके दुख में सहयोगी बन सकता हूँ? क्या मैं आपके सुख में सहयोगी बन सकता हूँ? थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। जन्म में और मरण में सहयोग चाहना ये तो निगोदिया जीव की स्थिति है, एक साथ अनंत जीव उत्पन्न होते हैं और एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं, एक साथ सुख और दुख, लेकिन दोनों अपना अपना अलग अलग भोगते हैं। रेस्पिरेशन एक साथ हो सकता है, डाइट एक साथ हो सकती है, लेकिन अपने अपने सुख दुख भोगने के लिए अनंत जीव राशि भी एक ही शरीर में जन्म ले ले, लेकिन वो अपने सुख दुख को एक अकेले ही भोगता है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। एक माँ अपने बेटे की पीड़ा में पीड़ित होकर अपने प्राण देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन अपने बेटे की पीड़ा को एक डिग्री भी कम नहीं कर सकती। ये वास्तविकता है, लेकिन ये वास्तविकता इतनी जल्दी हमारे हाथ आती नहीं है। हमें लगता है कि हम अकेले हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे तो कैसे जिएंगे, जबकि हम अकेले हैं, हो क्या जाएंगे? ये तो साथ हमारा भ्रम है, हम वास्तव में अकेले हैं। लेकिन अकेलेपन की स्थिति भी दो तरह की है, एलोननेस और लॉनलीनेस, दो शब्द इंग्लिश में अलग अलग दिए इसीलिए। लॉनलीनेस में तो सफरिंग की फीलिंग है, कोई मेरा नहीं है, मैं इतना अकेला हूं, इसमें हम पीड़ा महसूस कर रहे हैं, ये अकेलापन वास्तविक नहीं है।
एक वो है जबकि हमसे हमारी किसी से बन नहीं पाती है, तब हम कहते हैं हम तो अकेले ही ठीक हैं। ये द्वेष पूर्वक एक अकेलापन है। ऐसा अकेलापन का एहसास भी हमने कई बार कर लिया और मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला रह गया हूं और भीतर ही भीतर पीड़ा महसूस कर रहा हूं, खेद महसूस कर रहा हूं। ये राग पूर्वक अकेलापन भी हम कई बार महसूस कर चुके हैं, लेकिन इन राग और द्वेष से परे होकर मैं अकेला हूं, सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे सुख दुख के लिए किसी और पर मैं निर्भर नहीं हूं, मैं परावलंबन छोड़ करके जब स्वावलंबी होना शुरू होता हूं, तब वास्तव में वो अकेलेपन की अनुभूति है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सैचुरेशन, मैं अपने आप में पर्याप्त हूं, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, मुझे दूसरे के नहीं होने से कोई असंतोष नहीं है और ना दूसरे की उपस्थिति से मुझे कोई ज्यादा अभिमान कि मेरे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा अभिमान भी मेरे भीतर नहीं है। इन दोनों स्थितियों को हम धीरे धीरे समझें और उन स्थितियों से ऊपर उठें। वास्तविकता सिर्फ इतनी ही है, सच्चाई सिर्फ इतनी ही है। मिथिला नरेश हुए हैं और मिथिला नरेश को दाह ज्वर हो गया था और उस दाह ज्वर के चलते सारे उपाय करने के बाद भी शांति नहीं मिली थी। तब किसी ने कहा कि मलयागिर के चंदन का सारे शरीर पर लेप किया जाए तो दाह ज्वर में शांति मिलेगी, और राजा होने की वजह से मलयागिर का चंदन भी आया और उनके तो सैकड़ों रानियां थीं, उन्होंने कहा कि चंदन नौकरों से नहीं बंटवाया जाएगा, हम खुद बांटेंगे। और बाजू के कमरे में रानियों ने चंदन घिसना शुरू किया था, हाथ में ढेर ढेर वे चूड़ियां पहने थीं और जब चंदन घिसते थे तो उन चूड़ियों की आवाज आती थी, वो आवाज इतनी कर्कश मालूम पड़ती थी कि राजा को दाह ज्वर के साथ साथ ये एक और वेदना होने लगी। मंत्री से कहा कि ये क्या कर रहे हैं इतना शोरगुल, उन्होंने कहा कि राजन आपकी शांति के लिए चंदन घिसा जा रहा है। लेकिन चंदन घिसा जा रहा है उसका इस शोरगुल से क्या संबंध? मंत्री ने कहा कि उपाय करते हैं राजन, शायद शोरगुल बंद हो जाए, और रानियों से जाके कहा कि शोरगुल बहुत होता है, टकराहट होने से चूड़ियों में आपस में आवाज आती है, क्या उपाय किया जाए कि चंदन भी बढ़ता रहे और आवाज ना आए? रानियों ने कहा कि इसमें कोई कठिन बात नहीं है, उपाय अभी किया जाता है। और सबने सिर्फ एक एक चूड़ी अपने हाथ में रखी और चंदन बांटना फिर से शुरू कर दिया, आवाज आना बंद हो गई और चंदन फिर भी घिसा जा रहा है। राजा को संदेह होने लगा कि बेरे उपचार के लिए क्या चंदन घिसना बंद कर दिया गया? मंत्री से कहा कि नहीं, चंदन तो अभी भी घिसा जा रहा है, तो फिर बात क्या है? चंदन घिसते समय अभी तो बहुत आवाज आ रही थी, अब आवाज कैसे गायब हो गई और चंदन फिर भी कैसे घिसा जा रहा है? उन्होंने कहा राजन इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है, अभी दो पांच पांच चूड़ियां थी, वे आपस में टकराती थी, आवाज आती थी, सब रानी साहबा ने अब अपने अपने हाथों में एक एक चूड़ी ही रखी है। अच्छा, ये दो और चार होने से टकराहट होती है और अशांति उत्पन्न होती है, ये एक एक हो जाने से शांति हो जाती है। मेरी अशांति का कारण भी कहीं ना कहीं मेरे भीतर की टकराहट ही है। यदि मैं एकाकी होकर के विचरण करूं तो शायद मुझे शांति मिलेगी, यदि मैं इस दाह ज्वर से मुक्त हो जाऊं तो पानी पात्र में आहार करूंगा और एकाकी विचरण करूंगा। यह संकल्प उसी क्षण राजा ने कर लिया और कहते हैं कि रात आसानी से निकली, सुबह तो दाह ज्वर ठीक होना ही था,
लेकिन दाह ज्वर ही क्या, कई जिंदगियों का जो ज्वर कि कोई मेरा है कोई मेरा नहीं है, यह भी तो डिजीज ही है, यह भी तो एक रोग ही है। ऐसा मिथ्या अभिमान करते फिरते हैं हम, या कि ऐसे दीनहीन होकर जीवन बिताते हैं, कोई मेरा है कोई मेरा नहीं है, ऐसे राग द्वेष में हम जीते हैं और अपने हाथ से अपने उस एकाकी स्वभाव को भूलकर अपने लिए अशांति उत्पन्न करते हैं। राजा का दाह ज्वर ही नहीं मिटा, जीवन भर का और कई जिंदगियों का जो संचित कर्म का ज्वर था वह भी नष्ट हो गया। वे पानी पात्र में आहार लेने वाले दिगंबर मुनि हो गए, शांति का उपाय उन्होंने कर लिया। एकाकीपने का अनुभव क्या घर में रह के भी हो सकता है? अब सवाल ये है, ये तो एक वो स्थिति है बहुत ऊंची जिसमें हमने अनुभव किया कि यहां जब तक हमारे संयोग होंगे, जब तक हमारे संबंध होंगे, तब तक टकराहट होगी, या तो राग उत्पन्न होगा या द्वेष उत्पन्न होगा टकराहट से। मैं इन राग द्वेष के सारे संबंधों को छोड़ करके एकाकी विचरण करूं, एक उपाय तो वास्तव में वही है, लेकिन क्या मैं सारे लोगों के बीच रह करके भी एकाकीपने का अनुभव का अभ्यास कर सकता हूं जबकि मुझे वहीं रहना है सबके बीच? तो कर सकते हैं। एकाकी होने के मायने ये नहीं है कि मैं परिवार से, समाज से, या कि राष्ट्र से, या कि इस संसार से भी अलग थलग आइसोलेटेड होकर के खड़ा हो जाऊं और नितांत स्वार्थी होकर अपना जीवन बिताना शुरू कर दूं। एकाकी होने का मतलब ये नहीं है। एकाकी होने का मतलब ये है कि सबके बीच स्वावलंबन का जीवन जीना। मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई सहयोग देता है तो मैं धन्यवाद से भरा हूं, अगर कोई सहयोग नहीं देता है तो मेरे भीतर कोई शिकायत भी नहीं है। जब जब इस तरह का जीवन हम जीना शुरू करते हैं तब मानिएगा कि हम सबके बीच रह करके भी उस एकत्व भावना का अभ्यास कर सकते हैं। असल में हमें लोगों से सहयोग की अपेक्षा होती है और जब सहयोग नहीं मिलता है तो पीड़ा होती है या शिकायत होती है, और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सबके बीच रह करके भी दूसरे का उपकार तो करना है लेकिन दूसरे से सहयोग की अपेक्षा नहीं रखनी है। क्या इतनी बात हम साध सकते हैं अपने जीवन में? बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। सबके सहयोग के लिए तत्पर रहना और किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखना, वाह, हम सबके लिए सब करते हुए मर जाएं और कोई हमारे लिए कुछ नहीं करे, ये सिखा रहे हैं आप? ऐसा लगेगा क्योंकि अभ्यास इसी बात का है। दूसरे के लिए जरा सा कुछ भला करते हैं तो दूसरे से बहुत सारे भले की आकांक्षा उसी क्षण पैदा हो जाती, या कि करते ही इसीलिए हैं कि मुझे इससे कुछ प्राप्त होगा। और जहां ये भाव आना शुरू हुआ वहां पर एकत्व भावना, लेकिन मुझे किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं है, सहयोग मिले इनकार भी नहीं है। देखना, सहयोग से इनकार नहीं है, नहीं तो ईगो आ जाएगा, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, हाँ मैं पर्याप्त हूं अपने लिए, जाओ सब बैठो अपना अपना काम कर, ऐसा नहीं कह रहा, अहंकार पूर्वक नहीं है। मुझे आपका सहयोग मिले इसके लिए धन्यवाद, नहीं मिले तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की भावना हमारे भीतर क्या हम उत्पन्न कर सकते हैं? क्या हम अपने अहंकार को तोड़ सकते हैं कि मैं किसी का सहयोग करता हूं इसलिए लोगों को भी मेरा सहयोग करना चाहिए? यह अहंकार है। दूसरे के उपकार करने की भावना करने वाला निस्वार्थ उपकार करना शुरू कर दे तो एकत्व की भावना आना शुरू हो जाएगी। आचार्य भगवंतों ने दो गाथाएं इसी आशय की लिखी हैं, हम देखें कि वे हमें सारे संसार के बीच रहते हुए भी किस तरह एकाकी अनुभव करने की सलाह दे रहे हैं, या कि धीरे धीरे हमें
इस संसार के संबंधों से पार होकर के अपने उस एकत्व स्वरूप का अनुभव करने की सलाह दे रहे हैं। दोनों में से हम कितना कर पाएंगे ये हमारी अपनी क्षमता हम देख करके और शुरू करें। पत्येयम् पत्येयम् नियगम कम फलमनुहवन्ताणम् कोकस जये सयनो कोकस्व परजनो भनियो। हे मित्र, आप अपने विधि के फलों को हैं भोगते सकल जीव शुभाशुभों को, तो कौन हो स्वजन कौन निराप पराया, तू ही बता समझ में मुझको ना आया। आचार्य भगवंत हमसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ, आज तक तुमने जो सुख और दुख का अनुभव किया है वो अकेले ही किया है या कि किसी ने उस सुख को और दुख को घटा बढ़ा दिया है? नहीं, किसी ने भी ना घटा पाया ना बढ़ा पाया। घटाने में निमित्त कोई बन सकता है, बढ़ाने में निमित्त कोई बन सकता है। जिसे मैं अपना सहयोगी मानता हूँ उसे अपने सुख बढ़ाने वाला मान लेता हूँ, और जिसे अपना शत्रु मानता हूँ, पराया मानता हूँ, उसे अपने दुख को बढ़ाने वाला मान लेता हूँ। लेकिन वास्तव में ना कोई मेरा अपना मित्र मेरे सुख को बढ़ा पाया, ना मेरा शत्रु मेरे दुख को बढ़ा पाया है। तब फिर पूछ रहे हैं, जब इतना सब कुछ तुम समझते हो तो यहाँ क्यों किसी को अपना और क्यों किसी को पराया कहते हो? मेरे समझ में नहीं आता कि इतना सब जानने के बाद भी किसी को अपना और किसी को पराया कहते हो। या तो एक बार ये तय कर लो कि अपने अलावा और सब पराए हैं, या फिर एक बार ये तय कर लो कि अपने जैसे ही सब अपने हैं। दो में से कोई एक चीज तय करना पड़ेगी। दोनों चीजें अपना और पराया, यही हमारे दुख का कारण है। या तो मेरे अलावा जो कुछ भी है वो सब पराया है, और या फिर मैं जैसा हूं ऐसे ही सब हैं, इसलिए सब अपने हैं। इसमें से अध्यात्म की भाषा में तो तम एयत विहत्तम अपानम, उस एकत्व और विभक्त आत्मा को जो कि सबसे पृथक है ऐसा अनुभव करने की सलाह दी गई है। लेकिन व्यवहार में चरणानि योग की पद्धति में ये कहा गया है कि सबको अपना मान करके और अपने जीवन को इस तरह बनाना जैसे कि किसी को अपना मान लेने के बाद ना उसको हम पीड़ा पहुंचाते हैं, ना उससे झूठ बोलते हैं, ना उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ना उसकी किसी चीज़ को हड़पने और अपने पास उठा करके रखने का भाव करते हैं। ठीक ऐसा ही अगर सबके प्रति अपनेपन का भाव आ जाए तब वह भी एकत्व भावना ही है। आचार्य महाराज को मैंने 2-3 साधुओं के साथ देखा, और एक दिन ये स्थिति आई 1987 में कि हम सब मिलकर के उनके साथ 40 लोग थे, 40 पीछी। अब तो खैर जब एक साथ कभी मिलेंगे तो 300 की संख्या होगी लगभग। वो दिन कहाँ और किस क्षण आएगा, अपन तो भाव नहीं भा सकते हैं कि एक साथ कभी सारे लोग। पिछले वर्ष तो इकट्ठे हुए थे लगभग 150 साधु आरिका माता जी कुंडलपुर के महामस्तकाभिषेक में, लेकिन फिर भी पूरे सब नहीं हो पाए थे। उस समय जब 40 थे तब भी बड़ा अद्भुत लगता था। आचार्य महाराज बैठे हैं बीचों बीच और हम लोग बैठे हैं। भक्ति के बाद सुबह सुबह उस दिन पता नहीं कैसे मेरा मन हुआ, मैंने आचार्य महाराज को हाथ जोड़ के कहा कि आज सिर्फ हम लोगों के लिए कुछ कहिएगा। और आचार्य श्री ने भी जो बात, बहुत बड़ी बात उस दिन कही, वो आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। उन्होंने दो बातें कही कि देखो, जब सामायिक में लीन हो तो विचार करना कोई किसी का नहीं है, जब सामायिक में लीन हो तो अपने को एकाकी मानना
अपने सुख दुख के लिए यहां भोगने के लिए मैं सिर्फ अकेला हूं ऐसा मानना और सबसे डिटैच हो जाना। लेकिन जब सामायिक से बाहर आकर के सबके बीच प्रवृत्ति करो तब सबको अपना मानना और एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर रहना, किसी को पराया मत मानना। एक अध्यात्म है और दूसरा आचरण है। आचरण जब करने लगे तब यही बात हमें एकाकी बनाने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ कोई पराया नहीं है, सब मेरे जैसे ही और अपने हैं। तब फिर मुझे सबका सहयोग करना है, लेकिन किसी से सहयोग की आकांक्षा नहीं रखनी, अन्यथा वो आकांक्षा मुझे फिर दुख में ले जाएगी। मुझे सबका सहयोग करना है, ये भाव मेरे मन को बहुत प्रसन्नता देगा, और मुझे किसी से सहयोग की अपेक्षा नहीं है, ये भाव मुझे स्वावलंबी बनाएगा। ये दोनों ही चीजें इस एकत्व अनुप्रेक्षा के द्वारा हम आसानी से सीख सकते हैं। असल में अपने आप के अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर देना ये एकत्व भावना सिखाती है। बहुत मुश्किल तो है बात, मैं बहुत विचार करता रहता हूँ इस बात को, आपके बीच तो आज कह रहा हूँ, मैं तो कई कई बार इसको विचार कर चुका हूँ। बहुत मुश्किल होता है, क्षण भर को भी ऐसा भाव आ जावे कि मैं अकेला हूँ तो कैसा लगने लगता है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। लेकिन इस स्थिति से ऊपर उठ करके यदि हम देखें तो यहाँ कोई मेरा नहीं है ऐसा क्यों, यहाँ सब मेरे अपने मेरे जैसे ही तो हैं, उनके अंदर भी ज्ञान और दर्शन है। तब आगे वाली बात एकदम स्पष्ट समझ में आती है। एगो में शाश्वतो आदा नान दंशन लखनो शेषा में वाहिरा भावा सव्वे संजोग लखना। मैं एक हूं, सब अकेले ही हैं, मैं जैसे ज्ञान दर्शन से युक्त हूं ऐसे ही सब ज्ञान दर्शन से युक्त हैं। लेकिन ये जो एक दूसरे के साथ संयोग हुआ है वो बहुत बाहरी है। मैं ऐसा मान करके अपना जीवन जीऊं तब भी मैं आसानी से अपने जीवन को आनंदित होकर जी सकता हूं। कई बार मैंने इस चीज का अभ्यास किया है कि जब हम ऐसा मान के जीने लगते हैं कि अपने सुख दुख की जिम्मेदारी मेरी है तब किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होती, और जब मेरे सुख दुख की जिम्मेदारी मेरी है तो मुझे स्वावलंबी होकर जीना चाहिए, दूसरे के भरोसे कोई आवश्यकता नहीं है अपना जीवन डालने की, ऐसे अपने पैरों पर खड़े होने की जैसे माता पिता अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़े होने की प्रक्रिया सिखाते हैं। आचार्य भगवंत हमें स्वावलंबी बनाने और सबके बीच प्रेम से रहने के लिए एकत्व भावना सिखा रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ यही कहा होगा कि जन्म के समय में अकेला था, मरण के समय में अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, ऐसा हमने कई कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इससे कोई संदेश नहीं लिया होगा हमने। आज हम एक संदेश ले लें कि कहना आचार्य भगवंत ये चाह रहे हैं कि सुख दुख में मैं अकेला हूँ और मैं ऐसा मान करके सब अकेले हैं यह भी मानूं, मैं तो अकेला हूँ ही, सब अकेले हैं, और जब सब अकेले हैं तो एक दूसरे का सहयोग तो करना है लेकिन एक दूसरे से साथ की अपेक्षा नहीं रखनी है। इतनी बात यदि अपन के समझ में आ जाए तो अपने जीवन में एकत्व भावना का अभ्यास रोज करना पड़ेगा। भाई एकदम तो नहीं होगा, आज तो अपन ने आधे घंटे बैठ के किया है, इस चीज़ को कंटिन्यू खुद करना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है, और तब जाकर के अपने आप ये बात फील होने लगेगी। एक राजा एकाकी होने की साधना करने के लिए एक साधु के पास गया था और कहा कि मैं आपके पास रह करके एकाकी होने की साधना करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सुनो, इतनी भीड़ को लेके क्यों आए हो, अगर एकाकी होने की साधना करनी तो अकेले आओ ना। राजा मुश्किल में पड़ गया कि कोई को तो लेके नहीं आया, वो अकेले ही तो आया है। लेकिन साधु को मुस्कुराते देख करके उसे समझ में आया कि अभी तो मैं अपने साथ संबंधों की भीड़ लेके आया हूँ, अभी तो मेरे भीतर वो मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, वो मेरा शत्रु है, ये मेरा पराया है,
ऐसे ढेर सारे लोगों की भीड़ है मेरे साथ, इसीलिए शायद बाबा जी ने कहा कि अकेले होके आओ। वापिस लौट गया वो राजा कुछ दिन के बाद, फिर आया, अब मैं अकेला होके आ गया, अच्छी बात है, देख लें कितने अकेले होके आए हो। ऐसा करो, आश्रम में झाड़ू लगाने का काम शुरू करो। झाड़ू लगाने का काम बहुत कठिन है। और भी जो भिक्षु थे वहां पर, और भी जो साधक थे, उनने कहा इतने बड़े राजा को और झाड़ू लगाने का काम। राजा ने झाड़ू लगाना शुरू किया, एक दो दिन तो लगा कि मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा, और इस बाबा के आंगन में झाड़ू लगाता हूं। धीरे धीरे वो भूलने लगा इस बात को कि मैं राजा हूं। बहुत कठिन है, बहुत सारी चीजें हैं जो अपन ने अपने साथ चिपका ली हैं। अकेले नहीं हो पाते अपन, कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई अपने साथ एक लेबल लगा करके तो जीते ही हैं। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनमें कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, ऐसी फीलिंग। बात कठिन है, पर धीरे धीरे राजा को अभ्यास हो गया। अब राजा सहज रूप से झाड़ू लगाने लगा, लेकिन अभी भीतर हो सकता है कि भाव बाकी रहा हो, परीक्षा जरूरी है। एक दिन ऐसा हुआ कि जाओ सारा कचरा टोकरी में भर के और वहां कचरा घर में डाल के आओ। अभी तक तो झाड़ू लगाना थी भीतर भीतर, अब अपने ही राज्य में बाहर निकलकर कचरे की टोकरी सिर पर रखकर, कल तक जो दूसरे के सिर पर बोझा ढुलवाता था, आज वो स्वयं सिर पर बोझा रखे, बहुत मुश्किल, ये तो बहुत कठिन काम है। फिर भी तैयार हो गया, गया रास्ते में। होना क्या था, ये कि एक बहुत सामान्य से व्यक्ति ने धक्का दिया जोर से और सारा कचरा नीचे गिर गया और राजा के मुंह से निकला, एक दिन में क्या तेरी दोनों चली गई, मैं दिखता नहीं हूं, वही हूं वही। अरे भैया, अभी तो ये वही का वही है, अभी कुछ नहीं बदला। अभी लग जरूर रहा था कि ये इसने छोड़ दिया सब, अभी नहीं छोड़ा, अभी एकाकी नहीं हुआ। कचरा समेटा, डाल के वापस आया, सोचा था कि शायद अब ये काम खत्म हो जाएगा, फिर से एक वर्ष तक झाड़ू लगाओ, अभी अकेले नहीं हुए। एक साल और लगाई, एक साल के बाद फिर कचरा फेंकने की बारी आई और कचरा फेंकने गए, अब की बार व्यक्ति टकराया तो आंखों में ऐसे घूर के देखा कि क्या समझता है मुझे, कहा कुछ नहीं, लेकिन कहा तो वही, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ी कमी तो आई थी। और तीसरी बार साल भर झाड़ू लगाने के बाद फिर जब कचरा फेंकने गया तो फिर वो व्यक्ति टकराया, सारा कचरा नीचे गिर गया, फिर भी उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा, बड़ी प्रसन्नता से अपना कचरा बटोरा और जाकर के फेंक करके वापस आया। साधु ने कहा कि अब तुम एकत्व की साधना शुरू कर सकते हो, अब तुम अकेले हो गए, अब तुम्हें ये भान नहीं रहा कि मैं राजा हुआ करता था या कि मैं और कुछ था, मैं जो हूं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं है। अगर ये स्थिति हमारे भीतर कुछ क्षण के लिए भी आ जाए, अपने परिवार के प्रति भी आ जाए कि अपने परिवार के लोगों से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है और ना मुझे अपने परिवार के लोगों से कोई शिकायत है, ऐसे कुछ क्षण अगर अपने परिवार में हम व्यतीत करना शुरू कर दें, फिर देखें कि सचमुच ये लाइनें हमारे जीवन में सार्थक हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ हम 12 भावनाओं की लाइनें दोहराते हैं, अभी वे हमारे जीवन में पूरी तरह आई नहीं है। हम लेकिन निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये बात जरूर आएगी, इसी भावना के साथ कि हम सब आचार्य भगवंतों के द्वारा कही गई उस वास्तविक एकत्व भावना को भा सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।